जिला बदर होने के बावजूद भी उज्जैन में ही रहकर दादागिरी करने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे एक हिस्ट्री शीट को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात उसे अशोकनगर में तलवार लेकर लोगों को धमकाते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश का नाम राहुल पिता हुकुम राव मोरे है। उस पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसके चलते उसे उज्जैन सहित सरहदी जिलों से जिला बदर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उज्जैन में ही रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापत के नेतृत्व में उज्जैन पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। अधीक्षक महोदय द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत हमारे द्वारा थाना क्षेत्र गुंडा HS इन सब की लगातार रात में चेकिंग की जा रही है, दिन में भी चेकिंग की जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं रहते हैं उन सब जगह भी दबिश दी जा रही है। इसी दबिश के परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा परसों एक जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार किया गया था। कल पुनः एक जिला बदर बदमाश राहुल मोरे पिता हुकुम राव मोरे निवासी अशोकनगर कॉलोनी को तलवार के साथ में गिरफ्तार किया गया। उक्त बदमाश पिछले एक साल के लिए माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जिला उज्जैन एवं आसपास के सरहदी जिलों से जिला बदर रखा गया है। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके पश्चात भी इसकी उपस्थिति उज्जैन शहर में आक्रामक रूप में देखी गई और अपराध घटित करते हुए देखी गई। उस आधार पर इसको धरपकड़ की गई। पकड़ करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।